वेलकम टू द चैनल रिव्यूज एक्सपी। रिव्यू शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप किसी भी ट्रैक्टर की कोई भी जानकारी चाहते हैं या किसी और ट्रैक्टर का रिव्यू देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं, और किसी भी ट्रैक्टर के प्राइस, फीचर्स या पूरी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे वेबसाइट के लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा रिव्यू। ये जो ट्रैक्टर है वो 280 DX है, जो DX सीरीज है हमारी, जिसमें पीछे में 8-3-9-5-24 टायर लगे हुए हैं, आगे जो टायर है वो 515 लगे हुए हैं। ये टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है और ये बेसिकली जो डिज़ाइन किया गया है वो ऑर्चर्ड एंड रोड ट्रांसपोर्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है। जिसके बड़े व्हील है उससे रोड पे काफ़ी अच्छी ग्रिप मिलती है। इसमें ट्विन सिलेंडर सिंथिन इंजन लगाया गया है जिसकी कैपेसिटी 25 HP है, और ये वाटर कूल्ड इंजन है पूरा, जिसमें सिंक्रोमस ट्रांसमिशन तो आपको मिलता ही है, PTO भी पीछे रहता है। ये जो है वो एयर क्लीनर है जिससे इंजन को क्लीन हवा मिलती है, ड्राई टाइप एयर क्लीनर लगाया गया है। यहाँ पे नीचे जो दिए गए हैं वो फ्यूल फिल्टर है जिसमें जो फ्यूल जाता है इंजन को मिलता है, उसको फिल्टर का काम करता है पूरा। यहाँ पे स्टार्टर है जो इंजन को स्टार्ट करने का काम करती है, और अंदर जो है यहाँ पे रेडिएटर दिया गया है, और ये फ्रंट ओपनिंग बोनट है जिससे फार्मर को इजीली यहाँ से पानी देखना है या फिर इनपुट करना है तो आराम से कर सकता है। यहाँ पे दिया गया है फ्यूल मीटर जो दिखाता है कि आपकी टैंक में कितना फ्यूल है। ये है RPM मीटर है जिसमें दिखाता है कि आपका ट्रैक्टर कितने RPM पे चल रहा है। यहाँ पे डिजिटल हवर मीटर दिया गया है जो हवर्स दिखाता है कितना हवर्स आपका ट्रैक्टर चला हुआ है, और ये जो है वो हीट इंडिकेटर है जिसमें ट्रैक्टर की हीट कितनी हुई है, कितना टेम्परेचर पे ट्रैक्टर अभी चल रहा है वो दिखाता है। ये जो है ये हैंड लीवर है जिससे कोई भी पर्टिकुलर RPM पे आपको ट्रैक्टर चलाना है तो आप इजीली चला सकते हो। ये है मल्टीपर्पज़ कॉम्बिनेशन स्विच जिसमें आप प्लाव लाइट, फ्रंट लाइट, हेड लाइट है, फिर साइड इंडिकेटर है, हॉर्न है, और लाइट को लो हाई कर सकते हो। ये हमारा है सिंक्रोमस ट्रांसमिशन है जिसमें 4 गियर्स फॉरवर्ड है एंड 1 रिवर्स है। ये जो राइट साइड में दिखाया गया है वो ब्रेक है जो दोनों टायर की इंडिविजुअल ब्रेक रहती है, उसके नीचे जो छोटा सा लीवर है वो एक्सीलेटर है, और यहाँ पे जो है वो आपको हाई एंड लो दिखा रहा है। PTO लीवर भी है और लेफ्ट साइड में हाई एंड लो लीवर है, ठीक है। और आपके लेफ्ट साइड में ये जो है वो क्लच असेंबली है जिससे क्लच कर सकते हो आप ट्रैक्टर को। ये जो है हजार्ड स्विच है, कभी ट्रैक्टर को अगर कहीं पे पार्क करना पड़ा तो इसको स्टार्ट और इमरजेंसी में भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। ये जो है वो फ्रंट ओपनिंग बोनेट का लीवर है, इसको खींचने से आप आगे से बोनेट ओपन होगा। ये जो है वो इंजन स्टॉप है जिसको खींचने से इंजन को स्टॉप किया जा सकता है, और ये जो है मोबाइल चार्जिंग पॉकेट है, इसमें आप मोबाइल रख के यहाँ से प्लग लगा के आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। ट्रैक्टर की पीछे की साइड पे एक स्टैंड दिया गया है जिसमें पानी का बोतल रखा जा सकता है और रिलेवेंट चीज़ें भी रखी जा सकती है। उससे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक सॉकेट दिया गया है जो पीछे अगर हम ट्रेलर लगाते हैं तो ट्रेलर में लाइटिंग सिस्टम है, और कोई भी पावर आउटपुट चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते हैं। और ये जो है हाइड्रोलिक है जो ऑटोमेटिक डेप्थ एंड डेप्थ कंट्रोल है, जिससे खेत में काम करते हैं तो इजीली वर्क किया जा सकता है, ऑटोमेटिकली वो डेप्थ एंड डेप्थ कंट्रोल हो जाती है। यहाँ पे है वो ट्रेलर का ऑयल सॉकेट है, यहाँ से ट्रेलर के लिए इनपुट लिया जा सकता है ट्रेलर को लिफ्ट करने के लिए। नीचे की साइड पे हुक दिया गया है, नीचे की साइड पे हुक दिया गया है जहाँ पे आप ट्रेलर जोड़ सकते हो, और उसके ऊपर ये जो चीज़ है वो कवर है, वहाँ पे PTO रहता है जहाँ से आपको रोटेटिंग पावर मिल सकता है। यहाँ पे टूल बॉक्स दिया गया है जिससे फार्मर अपनी जरूरत की चीज़ें उसमें आसानी से रख सकता है। ये प्लाव लाइट है जिससे फार्मर फार्म में रात को भी अगर काम करना है तो इसको चालू करके पीछे का इम्प्लीमेंट वगैरह सब जोड़ सकता है। ये जो है वो 280 DX का ही वेरिएंट मॉडल है जिसमें ये 4 व्हील ड्राइव दिया गया है, जिसमें चारों व्हील में पावर रहता है, पीछे भी पावर रहता है और आगे भी पावर रहता है। पीछे के व्हील से ट्रैक्टर को धक्का लगता है, आगे से व्हील से खींचता है, तो आपको कोई भी मिट्टी है, हार्ड सॉइल है तो इसमें ईजिली काम कर सकता है। दूसरा, इसमें ज़्यादा ग्रिपिंग के लिए फ्रंट में वेट का प्रोविज़न दिया गया है। ये जो वेट है पर वेट का 20 kg, यानी 5 है तो 100 kg का फ्रंट में वेट दिया गया है, इससे आगे का स्लिपिंग को अवॉइड किया जा सकता है।
इसमें ऊपर कैनोपी भी है, ये ऑप्शनल है, कोई भी ट्रैक्टर में लग सकती है। और ये है रोल ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम, अगर ट्रैक्टर ऑपरेशन के दरमियान कभी भी पलट जाता है तो ड्राइवर की सेफ्टी के लिए दिया गया है। इसमें ड्राइवर को कुछ नहीं होता है, ट्रैक्टर ऐसे ही पलट जाएगा लेकिन ड्राइवर सेफली रह सकता है। इसके लिए आरओपीएस सिस्टम और उसी के साथ ये कैनोपी का अटैचमेंट है जो ड्राइवर को छांव भी देता है, अगर धूप में भी काम करना, बारिश में काम करना है तो इजीली कर सकता है। इसमें हमारे सभी ट्रैक्टर में मिरर दिया गया है जिसकी साइज़ हमने चौड़ी रखी हुई है ताकि फार्मर जो पीछे ऑपरेशन चल रहा है, रोड पर चल रहा है, तो आसानी से देख सकता है। यह 360 डिग्री रोटेट होता है, यानी फार्मर को कभी व्यू ज़्यादा व्यू देखना है तो ऐसे रोटेट करके पूरा व्यू देख सकता है। सभी इन्फॉर्मेशन हमारी सभी प्रोडक्ट के बारे में हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है। आप अगर किसी को भी कुछ क्वेरी है, कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी जगह पर हम अवेलेबल है। थैंक यू। तो ये था आज का हमारा रिव्यू। प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको रिव्यू कैसा लगा, और अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।